हजारीबाग के लड़का कहीं नहीं हम कोचिंग लेट हो जा कोचिंग छूट जा न कोई दिक्कत ना लेकिन चारों देख देख ले जाने का ना ठीक है अजूठे कहते हैं हमारे चचा दुकान है वो हमारे अंकल के दुकान है अंकल और चचा एक के हुए आज सोलह के गुरबा बनावे रहते वो हमारे अंकल के दुकान है हमर चचा के दुकान है बाद में आज सोलह रुपया जाए पूछो है अंकल और चचा का हुए पटना में दूसरा कर हुआ वो दोनों एक के तब जाकर पटना हुआ बाबू तनी आओ तो है नहीं मारा मारी चल रहा हूँ और गुरबा समझो है अरे पढ़ो रे पढ़ो पढ़ो ध्यान दो पढ़ा लिखा पर बाबू ना वैसे ऐसे बैठल है बाबू तू सुन जितना पूर्वक रहता पढ़ाई लिखे में सर्वा उस शादी में इतना तेज फरार दिखे तो नहीं इतना तेज कर दिखे तो लगता तो कहाँ के लड़का सरवा बोलिए है तो पूरा समाज के लड़का पूरा जल्दी में तो सावधान रहता जय माता पर सावधान विश्राम तैयार न तो मन वाले के दूर है अब इसने इसने लड़का रसगुल्ला खाली ते कल कर खाई हम खाई पहले से यार अल्लाह क्यों ना खा जी तो सर इसने इसने ना 16 नंबर देखे 16 नंबर देखो क्या मिला है एक चिप्पी दिया हुआ जिसका पीए थटर्म कितना दे दिया है ए क्यूए थटर्म कितना दे दिया गया है बी और आर ए थटर्म कितना दे दिया गया है सी उसके बाद नीचे वाला इक्वेशन को क्या करना प्रूव करना सुन ली बात को चलिए बाबू सीक्वेंस का चीज में रहा है चिप्पी में जब भी चिप्पी का पहला टर्म और कॉमन रेशियो नहीं दिया रहता मानते क्या मानते फर्स्ट टर्म पे कॉमन रेशियो आर कॉमन रेशियो क्या मानेंगे आर तो कैपिटल ए मान लो और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर क्योंकि पहले से स्मॉल ए और आर इन सब लिया हो इसलिए कैपिटल मान लो ताकि लगना चाहिए कि आप माने क्या हो और क्वेश्चन में क्या दिया हो अब गिन ले या गिन ले क्या कहती है हुआ बाबू गिवन इको या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इको रे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अरे क्या दिया हुआ बाबू पी ए थट्टा कितना दिया हुआ आपको बताएगा ये दिया हुआ है हमें पी ए थट्टा ये दिया हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू ये आर का पावर पी माइनस वन बराबर ये किन्हीं को कोई परेशानी ना आ रहा हूँ इक्वेशन नंबर वन आल्सो इवन क्या दिया बाबू अरे क्यूए थट्टा रे क्या दिया हुआ क्यूए थट्टा क्या दिया हुआ रे बी दिया हुआ आप इसको कैसे लिखोगे ए आर का पावर क्यू माइनस वन बराबर बी इक्वेशन नंबर टू और क्या दिया बाबू और क्या दिया हुआ रे आर ए थट्टा सी आर ए थट्टा में कितना दिया हुआ सी तो इसका क्या हो जाएगा बाबू आर का पावर आर इक्वेशन नंबर किन्हीं को कोई परेशानी आता कोई दिक्कत अब देखो सीन क्या करना प्रूफ क्या करना से देखो प्रूफ क्या करना बाबू हम लोग को प्रूफ करना था प्रूफ पे अरे क्या प्रूफ करना था रे ए का पावर क्यू माइनस आर इनटू बी का पावर आर माइनस बी इनटू सी का पावर बी माइनस क्यू बराबर वन लाना है बराबर वन लाना है देखिए कैसे प्रूव करेंगे अरे ए का मान बढ़ा देंगे इक्वेशन वन से बी का मान बता देंगे इक्वेशन टू से सी का मान बता देंगे इक्वेशन थ्री से अब इसको हल करेंगे और हल करके कितना लाएंगे वन पता है कि कोई भी संख्या का अगर पावर है और अगर आप उसको वन लाना चाहते हो तो पावर कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए जीरो आना चाहिए कोई भी संख्या का पावर जीरो के साथ अरे चलिए मान बटाओ एक का मान बटा कितना रहेगा आर का पावर ए आर का
हमारे का पावर क्यों माइनस कितना था बी का मान कितना है बी का मान पावर क्यों पूरे का पावर माइनस अरे सी का मान है सी का मान ए आर का पावर आर माइनस वन पूरे का पावर कितना है पी माइनस क्यू किन्हीं को कोई दिक्कत किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को कोई परेशानी बापू अब पावर गुणा करेंगे अरे एक ही संख्या पर दो पावर तो पावर को कहाँ किया जाता बापू गुणा किया जाता कहाँ किया जाता है गुणा चलिए गुणा कीजिए क्यू माइनस आर ए का पावर हो जाएगा कि नहीं अरे हाँ या ना बोलो अरे आर का पावर कितना हो जाएगा पी माइनस वन गुना क्यू माइनस आर कोई दिक्कत यहाँ से ए का पावर कितना हो जाएगा आर माइनस पी और आर का पावर कितना हो जाएगा क्यू माइनस वन इनटू आर माइनस पी आ जाइए यहाँ ए का पावर कितना पी माइनस क्यू अरे आर का पावर अब इसको सॉल्व करो बापू इसको सॉल्व कीजिए चलो बताया जाए चलो बताया जाए जितना भी ये गुना में सबका पावर जोड़ने गुना में पावर जुटता है तो यहाँ हो जाएगा ए का पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू यह हो गया ए का पावर अब आ जाइए आर का पावर कितना होगा आर का पावर के लिए ब्रैकेट तोड़ना पहले ब्रैकेट तोड़ लेते हैं चलिए तोड़िए ब्रैकेट पी क्यू हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस चलिए यहाँ तोड़िए पावर कितना आएगा क्यू आर माइनस क्यू पी फिर माइनस पी माइनस पी आ जाएगा चलिए यहाँ तोड़िए कितना आएगा पावर आर पी माइनस आर क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू कोई दिक्कत हमको ऐसा क्यों लग रहा कि सब कट गया तो कितना हो गया एक पावर चलिए आर का पावर यहाँ जोड़िए पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर यहाँ जोड़े क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी यहाँ जोड़े आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू देखो कितना आ रहा है पी क्यू से पी क्यू कट गया बी आर से बी आर भी कट गया माइनस क्यू से प्लस क्यू प्लस आर से माइनस आर क्यू आर से माइनस आर क्यू और पी से माइनस पी मतलब आर का भी पावर जीरो और कोई संख्या का पावर जीरो मतलब कितना आ गया बाबू इसी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया बाबू इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो गया इन्हीं को कोई परेशानी तो हम सबको समझाते हैं ए सुनो सुनो हम समझाते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट निकालना कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू दी लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0 कहता एक लाइन है कहता क्या एक लाइन है जो दूसरा लाइन पर परपेंडिकुलर है दूसरा लाइन पर परपेंडिकुलर है जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है ना उसका कोऑर्डिनेट निकालना परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री खड़ी और जहां खड़ा है वहां का पॉइंट समझे और जो 90 डिग्री लाइन वहां खड़ा है वो एक पॉइंट से भी क्रॉस कर रहा है एक पॉइंट से पास कर रहा है और वहां पॉइंट दे दिया सुना रहे हैं सुनिए बापू फिगर बनाते हैं फिगर देखिए इस क्वेश्चन का फिगर बना रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन दे दिया गया है 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0 कहता इस लाइन पर एक दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है वहां
मान लिए पी क्यू और पी क्यू से पॉइंट से पास कर रहा माइनस वन कोमा थ्री तो कहता फाइंड दी फूट ऑफ फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर एक मतलब हुआ जहां परपेंडिकुलर है वहां का कोऑर्डिनेट निकालना फूट मतलब पैर पैर और परपेंडिकुलर का 90 डिग्री हम लोग जब भी जमीन पर खड़ा होते ना नितेश तो हम लोग का पैर पैर 90 डिग्री बनाता है जमीन के साथ हमें सही खड़ा रहता अब कोई सवाल ले भाई इसे खड़ा ऐसे खड़ा और बोलता हम 90 डिग्री ना बना रहे मर रहे दू सब अगर ऐसे खड़ा होते हैं सदिया हो तो तुम सवाल से खड़ा रहता जल्दी बाजी बोला जल्दी आ हम तैयार हैं सर बोला तभी जैसे का तुम लड़के खड़ा हो वैसे बोले से खड़ा हो जैसे रसगुल्ला खाली थरिया से कहता लड़के वैसे मुआ फास सर जे लड़का जितना मुरबर रहता रे बाबू तू सुन जे लड़का जितना मुरबर रहता पढ़ाई लिखाई में सर बाबू शादी में इतना तेज तरार दिखाता ने इतना तेज का दिखाता जब तक कहां के मुरलेंद्रा लड़का हो सर बाबू बोलिए है तो पूरा समाज के इकलौता लड़का पूरा जाति में तो सावधान रहता जय माला पर सावधान विश्राम तैयार ना कमल वाले के दूरे साहब अरे चोरी जब बोलना चाह रहा हूँ समझ जाते हैं तुम सोचा मास्टर साहब नहीं समझ पाएंगे अरे बाबू सर हमने सिखाए हमरे जन कहते रहे हमरे जन सीखे हमरे ना वही हाल हो गया इंटरव्यू ले लिया ले देख लो अब देख लो तो हमारे इंटरव्यू ना को अगर बात चेक कर लेंगे वो पूछ तो आप सर आप अपना नाम बताइए वो सर भाई इंटरव्यू ना हो भाई के लोग इंटरव्यू लग गया सर अब बकाल भाई के लोग गोसाल में पूछ दर का बोल बोलिए सर वो जी रिएक्शन किसे कहते हैं अब उसा हो ना वो जाना वो जी रिएक्शन अरे इंटीग्रेशन किसे कहते हैं बोल बताइए सर आप लोग पांच को आदमी है कितना तरह से अरेंज करेंगे सर वो बुढ़वा भाई जी बुढ़वा टेंशन पांच को क्वेश्चन हाथ करके लो चश्मा यहाँ लगा को खड़ा उल्टी पूछ दे तैसे ही छोड़ा हमारे से सिखल का और हमरे बोल रहे एक लग रहा अबे बाबू इस क्वेश्चन पी क्यू का इक्वेशन पूछता तो पॉइंट दिया हुआ था इस लाइन से इसका स्लोप निकालते तो इसका इक्वेशन निकाल दिया समझा लेकिन यहाँ इक्वेशन नहीं पूछा है पॉइंट पूछा है तो कभी भी क्वेश्चन में बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर या दोनों लाइन कौन पॉइंट से क्रॉस कर रहा है या दोनों लाइन कौन सा पॉइंट पर मीट कर रहा है तो कभी भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले लाइन का इक्वेशन निकालना होगा लाइन का इक्वेशन एक बार निकालेंगे और एक बार पहले डबल रहेगा और दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा और उसी के साथ आपको एंसर मिल जाएगा आए समझ में तो इस क्वेश्चन में भी पहले आपको लाइन का इक्वेशन निकालना होगा यानी पी क्यू का तब पी क्यू का इक्वेशन निकालेंगे पॉइंट डबल बच गया क्या चीज स्लोप स्लोप कैसे निकालेंगे लाइन एबी से एबी पर पी क्यू का है परपेंडिकुलर और जब भी परपेंडिकुलर कोई लाइन रहता है तो जिस पर रहता है उसका स्लोप निकाल के उसको पलट देते हैं माइनस चीज लगा देते हैं आपका परपेंडिकुलर वाला निकल गया समझे बात को चलिए बाबू देखें लिख रहे हैं कि मैंने लाइन given a line AB whose equation is 3x minus 4y minus 16 बराबर 0 किन्हीं को कोई तकलीफ जी अब आ जाइए लिखेंगे slope of line AB क्या बोलेगा बाबू minus 3y minus 4 मतलब 3y 4 लिखेंगे also given ये लाइन PQ passes through रे कौन पॉइंट passes through पॉइंट -1, 3
एंड परपेंडिकुलर इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन कौन लाइन रे पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा माइनस फोर बाई एबी वाला को पलट देना और उसमें क्या करना माइनस पी क्यू का स्लोप निकालिएगा पॉइंट पता है बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन बराबर स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन तीन इधर गुना हो गया बापू माइनस चार इधर गुना हो गया बापू चार एक्स को इधर ले आ बापू एक्स को इधर ले आए नौ को इधर ले जाइए देखिए यही आएगा बापू अभी फोर एक्स प्लस थ्री वाई बराबर कितना आया फाइव इक्वेशन नंबर टू ये किसका इक्वेशन निकल गया बापू किसका इक्वेशन निकल गया पीक्यू का इक्वेशन निकल गया केवल इक्वेशन पूछता यही आंसर लेकिन पॉइंट ने पूछा है अब दोनों का इक्वेशन को क्या करना होगा सॉल्व करना होगा कभी भी दो लाइन का इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है पता है कि नहीं अब आइए दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं बताओ दूसरा इक्वेशन कितना फोर एक्स प्लस थ्री वाई बराबर पांच चलिए दोनों को सॉल्व कैसे करोगे पहला वाला में दस गुना करो तीन से दूसरा वाला में चार से गुना करके जोड़ दो नौ एक्स बारह वाई सोलह दिया अड़तालीस सोलह एक्स बारह वाई पांच बीस कट गया सोलह नौ पच्चीस एक्स बीस और अड़तालीस अड़सठ यहाँ से x बराबर अड़सठ भागा कितना पच्चीस किसका माना गया x का और कोई भी इक्वेशन में बैठा दो फ्रॉम इक्वेशन थ्री एक्स माइनस फोर वाई बराबर सोलह x के जगह पर कितना बैठाओगे अड़सठ भागा पच्चीस चार वाई माइनस चार वाई बराबर कितना चलो अड़सठ गुना तीन जल्दी बता दो सौ चार भागा पच्चीस चार वाई की धर ले आओ सोलह की धर कोई दिक्कत लघुत्तम ले लो पच्चीस दो सौ चार माइनस सोलह गुना पच्चीस कितना होगा सोलह गुना पच्चीस बोलो सोलह पच्चीस अस्सी सोलह दुनी बत्तीस और चार सौ बराबर चार वाई और समय दो सौ चार जाएगा कितना बचेगा एक सौ छियानवे माइनस में चलिए चार से कट रहा बाबू चार से कट रहा कितना में चार सौ सोलह नौ छह छत्तीस वाई का मान कितना गया है माइनस पचास आ गया पच्चीस यानी जो परपेंडिकुलर पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया बाबू अड़सठ भागा पच्चीस और माइनस उनचास भागा पच्चीस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सत्रह भी क्या होगा कंप्लीट इस तरह क्वेश्चन नंबर सत्रह बनाएंगे पहले परपेंडिकुलर लाइन का क्या निकालेंगे इक्वेशन और फिर दोनों लाइन का इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और जो पॉइंट आएगा वही पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट को बताएगा समझे जी क्या कर रहे उस तरह नहीं मन बनी तो खाना देखा था तू जी बड़े दस्ता है ए बाबू मन बनी तो खाना देखा अरे पढ़ो रे पढ़ो पढ़ो रे हम तो पढ़ा लिखा पर बाबू ना वैसे ऐसे बैठा है ये पढ़ा रहा है बिनु पढ़ना हां इसको बोल दे दस दस ठीक है ना बाबू कल पूरा हंस फुस रहा था गड़गड़ा दे रहा था पूरा गड़गड़ा दिया कल क्लास में गड़गड़ा दिया आज काम हो गया रे क्या इसे झराना पड़ेगा का हां मनाना पस ले झरा देगा हां अरे बाप रे बाहर ले ये जी क्वेश्चन क्या बोला कि एक सर्कल है ये क्या है सर्कल जिसका सेंटर
लॉन्च कर रहे एक लाइन पर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ग्यारह बराबर कितना है जीरो। और जो दो पॉइंट से पास भी कर रहा बापू कौन सा पॉइंट से लगे थ्री और कौन सा माइनस वन कमा वन, तो कहता है कि ये सर्कल का इक्वेशन निकालो। सर्कल का क्या निकालो इक्वेशन। सर्कल का सेंटर लाइज कर रहा है एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ग्यारह इक्वल टू जीरो पर और सर्कल दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो सर्कल का इक्वेशन निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन में सर्कल का सेंटर मान लेते हैं अल्फा बीटा रेडियस आर, उसके बाद दिया हुआ है जो उसके अनुसार इक्वेशन निकालते हैं, फिर उसको सॉल्व करके अल्फा बीटा आर का मान निकालते हैं, तब जाकर के आंसर आता है। थोड़ा ये लंबा जाता है पता है कि नहीं। चलिए इस स्थिति में मान लेते हैं सेंटर कितना रे अल्फा बीटा, सेंटर मान लिए लेट सेंटर ऑफ सर्कल कितना मान लेंगे बाबू अल्फा बीटा, अरे रेडियस ऑफ सर्कल कितना मान लेंगे रे आर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कहा हो जाएगा बाबू कहा हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर। क्या ये आंसर हो गया अल्फा बीटा आर निकालना होगा इसमें बैठाना होगा तब जाकर ये फाइनल आंसर आएगा। क्लिक को दिक्कत अब देखिए कैसे क्या निकलेगा कैसे अल्फा बीटा आर का मान निकलेगा देखा जा। देखो लिखेंगे गिव में सर्कल सर्कल पासेस थ्रू अरे पॉइंट कौन कौन पॉइंट रे थ्री एंड माइनस वन कॉमा वन दैट इज एक्स के जगह पर कितना बटाएंगे टू माइनस आप का होल स्क्वायर वाई के जगह पर थ्री थ्री माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर टू। अब कौन सा पॉइंट बटाइए माइनस वन एक्स के जगह पर माइनस वन वाई के जगह पर कितना वन वन माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर थ्री अरे इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री का राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बराबर होगा कि नहीं रे अरे हाँ या ना बोलो अरे जोर से बोलो रे। चलिए इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो हजारीबाग के लड़का कहीं नहीं हम कोचिंग लेट हो जाओ कोचिंग छूट जाओ न कोई दिक्कत ना लेकिन चारों दिन देख ले जाने का नहीं ठीक है अजूठे का तुम वो हमारे चचा दुकान हो हमारे अंकल के दुकान हो अंकल और चचा एक हुए हैं आर सोलर के गुरबा बनावे तरह तू वो हमारे अंकल के दुकान ही उमर चचा दुकान ही है बाद में आर सोलर उमर जाए पूछो है अंकल और चचा का हुए पार्ट का प्रोफेसर कर उमर वो दोनों एक है तब जाकर पटना वाला बाबू दनिया तो है नहीं क्या नहीं मारा मारी चल रहा हूँ वो गुरबा समझो है चार स्क्वायर माइनस चार अल्फा या नौ प्लस बीटा स्क्वायर माइनस छह बीटा माइनस छह बीटा या कितना बा वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस टू अल्फा कैसे होगा तो देखना है सर्वेंटे ने या ये वन का स्क्वायर वन प्लस बीटा स्क्वायर माइनस इस सर्वन आधा कंफ्यूज कर देगा लिखा पे कैसे ना आधा को याद नहीं रहा और साइंस से ले पढ़ेगा सब सर्वन पढ़ा ए माइनस बी के होल स्क्वायर और ये प्लस बी के होल स्क्वायर और यहाँ तक अगला माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर सर्वोपरि कौन फॉर्मूला है और हमको बिना बताए लिख लियो बाहर आधा सर्व टेंशन में भी हो सर लगे पीछे वाले बना लेना तो कुछ ले बोल हो गए तो यो कर भी का होते बोल राइट का भाई करो अरे सर साइंस वाला ना कर रहा है अरे रत्न मतलब है ना आगे पढ़ कर धसमेंट करेंगे
माइनस कॉमन लेके बाहर कर देंगे, माइनस दोनों से कॉमन लेंगे राजा, ता दोनों पर नाचने हो जाएगा राजा। अब दोनों से माइनस कॉमन जब बाहर आएगा तो अगर स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस प्लस में होगा, तो एक्चुअली में ही का में तीस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस बी के होल स्क्वायर। दोनों माइनस में रहेगा तो प्लस वाला ही फॉर्मूला लगेगा, दोनों प्लस में रहेगा चाहे दोनों माइनस में, एक के आएगा, एक के आंसर वाई। सुनो, एक के आंसर वाई ठीक बाबू। इधर से अल्फा स्क्वायर कट गया, बीटा स्क्वायर कट गया, चलो बाबू अल्फा वाला एक तरफ कर रही है, अल्फा किधर ले आए, माइनस वन अल्फा माइनस टू अल्फा, अरे बीटा को इधर ले आओ, इधर कितना था माइनस टू बीटा, इधर आना प्लस टू बीटा, इधर कितना वन था टू था, इधर कितना था चार टू नौ चार तेरह, इधर आ गया माइनस अरे माइनस कॉमन ले लो बाबू, प्लस ग्यारह इक्वेशन नंबर फोर, इन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद एक इक्वेशन और लाएंगे अल्फाबेटा में, कैसे लाएंगे एक इक्वेशन और अल्फाबेटा में, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेंटर जो है स्लाइस कर रहा है एक लाइन पर, जिस लाइन का इक्वेशन था एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ग्यारह बराबर जीरो, सेंटर ऑफ सर्कल सर्कल लाइज मोन लाइज मोन लाइन कौन लाइन पकड़े, एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ग्यारह जीरो, इधर मतलब एक से जब पर अल्फा बैठा दे, अल्फा माइनस थ्री बीटा माइनस ग्यारह बराबर जीरो, अरे इसको आई से लिखने में किन्हीं को कोई दिक्कत होगा बापू, अरे किन्हीं को कुछ हो रहा है क्या इसे लिखने से, नहीं ना। अब इक्वेशन फोर और फाइव को हल करेंगे, कैसे हल करेंगे बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फाइव, अरे इक्वेशन फोर फोर में फाइव को घटा दो कितना गुना करके रे, छह से ना, छह अल्फा प्लस छह अल्फा प्लस चार बीटा बराबर बारह, छह से गुना करो छह अल्फा माइनस अठारह बीटा बराबर छियासठ, माइनस पर माइनस प्लस माइनस आठ अठारह चार रे बाईस, अरे छियासठ में रह जाएगा, छियासठ में रह जाएगा, पचपन माइनस में प्लस में माइनस माइनस, तो बेटा बराबर कितना आ गया माइनस पचपन भागा बाईस, किसी को कोई दिक्कत कितना गया, बेटा बराबर माइनस पचपन बटा बाईस, अरे काट के कितना आ गया माइनस पांच बटा दो, इसका मान निकल गया बाबू, अब इसका मान इक्वेशन फोर या फाइव में बैठा दो, किसका मान निकल जाएगा अल्फा का, चलिए किस पे बैठाओगे बाबू, किस पे बैठाओगे, हाँ इक्वेशन नंबर फोर या फाइव किस में बैठाओगे, फोर में, चलो फ्रॉम इक्वेशन फोर बीटा मान बैठा दो बाबू, बीटा मान बैठा दो, बैठा दिए, हल करो बाबू, मुंह से दो कट गया, माइनस दस बराबर ग्यारह, छह अल्फा दस इधर चल गया इक्कीस, अल्फा बराबर इक्कीस भागा छह कट जाएगा, तीन सत्ते इक्कीस तीन दूनी छह, मतलब अल्फा मान के मैं कह रहे सात बटा दो, तो इसी के साथ बाबू सेंटर निकल गया, सेंटर और सर्कल कितना निकल गया बाबू, अरे सेंटर और सर्कल कितना निकल गया सात बटा दो, माइनस पांच बटा दो, इन्हें का कोई तकलीफ, अब निकालना है रेडियस का,
रेगुलर सामान निकाले के आपको इक्वेशन टू या थ्री में अल्फा और बीटा मान बैठाना होगा। इक्वेशन टू क्या था? टू माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा के जगह पर कितना बैठा सात बटा दो। अरे बीटा जगह पर माइनस पांच बटा दो प्लस हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर लघुत्तम दूध में चार माइनस सात दूध में चार माइनस सात चार में सात या माइनस तीन बटा दो माइनस तीन बटा दो का होल स्क्वायर या लघुत्तम तीन दूनी छह प्लस पांच ग्यारह बटा दो का होल स्क्वायर बराबर चलिए आगे नौ बटा चार ग्यारह एक सौ बीस बटा चार बराबर आर स्क्वायर इसी के साथ आर स्क्वायर का मान आ गया एक सौ तीस बटा चार और चार से भाग कट जाएगा कितना बार में छह दूनी बारह बीस पैंसठ भागा दो आ जाएगा। अरे आर स्क्वायर का मान कितना आ गया बताओ पैंसठ भागा दो आर स्क्वायर का भी मान निकल गया सेंटर में निकल गया। अब फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा बाबू? फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस अल्फा अल्फा जगह पर कितना सात बटा दो का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा बीटा के जगह पर कितना माइनस पांच बटा दो का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर पैंसठ भागा दो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अठारह भी समाप्त हो गया। दिया हुआ बाबू पी का मान एक बटा चार पी एफ का मान एक बटा दो और पी ई एंड एफ का मान एंड लगाने का मतलब होता है इंटरसेक्शन इसका मान कितना दिया हुआ एक बटा आठ। आपसे पहला नंबर में पूछा बाबू अरे पी नॉट ई नॉट का मतलब होता है डैश जिसको बोलते हैं कंप्लीमेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी इसका मान कैसे निकालते हैं वन में पी वाला घटा देते हैं वन माइनस वन बटा चार आंसर आ जाएगा तीन बटा चार। अरे दूसरा नंबर में क्या पूछा है पी नॉट एफ यही पूछा है इसका मतलब भी एफ डैश वन माइनस बी एफ अरे वन माइनस वन बटा दो इसका आंसर कितना आएगा वन बटा दो। अरे तीसरा नंबर में क्या पूछा है पी ई और एफ और मतलब क्या था यूनियन यूनियन का फॉर्मूला था पहला प्रोबेबिलिटी दूसरा का प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। आ जाइए एक बटा चार एक बटा दो माइनस एक बटा आठ लघुत्तम एक बटा आठ आएगा लघुत्तम कितना आएगा आठ चार दुनी आठ दो चौक आठ माइनस वन छह में से ले गया आंसर क्या होगा पांच बटा आठ। अरे चौथा नंबर में क्या पूछा है पी नॉट ई एंड नॉट एफ नॉट का मतलब डैश एंड का मतलब इंटरसेक्शन और फिर नॉट एफ मतलब क्या लगाएंगे डैश कभी भी इंटरसेक्शन के दोनों ओर डैश लगा रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है ये यूनियन में बदल जाता है और पूरे पर क्या हो जाता है डैश पूरे पर क्या हो जाता है डैश ये आ जाइए तो इसका मान निकलेगा वन में वन में यूनियन को घटाने पर घटा दो यूनियन का मान अभी आप निकाले ना कितना आ जाएगा बाबू तीन बटा आठ आ जाएगा कितना आ जाएगा तीन बटा आठ। अब आ जाइए पांचवा क्वेश्चन पांचवा में क्या बोला बाबू पी ई इंटरसेक्शन एफ पूरे का डैश तो ये कैसे निकालेंगे वन में ई इंटरसेक्शन एफ चलिए वन में ई इंटरसेक्शन एफ का मान घटाइए कितना एक बटा आठ कितना सात बटा आठ। इसी के साथ मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 19 हो गया खत्म।